अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मिलर एंड हार्ले की बुक का चैप्टर नंबर 29 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था और रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स सेक्टर रिप्रोडक्शन और एसेक्टर रिप्रोडक्शन को कंपेयर किया था। आज नेक्स्ट हम एसेक्टर रिप्रोडक्शन उसकी पहली टाइप जिसको हम फिशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिशन का लफ्जी मतलब होता है टूटना। तो फिशन क्या है अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एसेक्टर रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें क्या होता है एक सिंगल सेल या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाता है और जो हिस्से बनते हैं हर हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म को या एक नए सेल को बनाता है तो इसको हम कहते हैं फिशन। फिशन को अगर हम डिफाइन करें तो पहली बात ये किसकी किस्म है, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल आर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू आर मोर सेल्स आर ऑर्गेनिज्म्स and each cell give rise to new individual या हर part जो है उस नया individual बनेगा, इसको हम कहते हैं fission। मिसाल के तौर पे ये एक cell है, इस cell की तकसीम होगी दो cells में और हर cell जो है वो अलग organism बनाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये fission है। अगर हम फिशन की टाइप्स की बात करें तो फिशन दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं बाइनरी फिशन और जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। तो दो टाइप्स हैं इसकी, एक बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन क्या है। बाई का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, एक सिंगल सेल या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो डिवाइड होगा टू सेल्स। अब यहां पे हम टू और मोर का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब मोर की बात करेंगे तो वो मल्टीपल फिशन होगा। यहां पे हम ये बात करेंगे एक सेल डिवाइड होगा कितने सेल्स में या एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो ऑर्गेनिज्म में, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसके कुछ स्टेप्स की बात कर लें तो सबसे पहला तो ये होगा कि जिस तरह हम कॉमन सेल डिवीजन पढ़ते हैं कि उसमें सेल के साइज में इजाफा होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, फिर क्लीवेज फरो बनती है या फ्रैगोप्लास्ट आपने पढ़ा था वो बनती है और उसके बाद एक सेल डिवाइड हो जाता है दो। तो यहां पे भी कुछ इसी तरह से होगा कि सबसे पहला काम तो ये होगा कि सेल का साइज बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है वो डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद सेल में पिंचिंग होगी और पिंचिंग के बाद डिवीजन होगी, एक सेल डिवाइड होगा तो दो हिस्सों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे इस पे ये होगा कि सेल पिंचेस इनटू टू बाय इनवर्ड फर्विंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फरो बनाएगी और हर ऑर्गेनिज्म या उससे जो दो सेल्स बनेंगे या दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे
दोनों के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होगा, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल होगा, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है दोनों पार्ट्स में। और इसमें वही बात कि पहले जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है और फिर सेल की डिवीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन, या हम यहां पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माइन डिफ्यूजन, कि माइन डिफ्यूजन कितनी किस्म की होती है। फोर टाइप्स होती हैं इसकी, यहां पे थ्री टाइप्स मेंशन की गई हैं, आपको कल ने बताई है। सबसे पहली इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल डिवीजन। अब ये बात याद रखनी है कि जितनी भी इसकी टाइप्स हैं उसमें सब के अंदर सेल के साइज में इजाफा होगा, ये स्टेप सब के अंदर सेम होगा। जेनेटिक मटेरियल सब के अंदर डुप्लीकेशन होगी, ये स्टेप भी सेम होगा। डिफरेंस क्या कहां पे आएगा, इसकी टाइप्स किस बेस पे बनाई गई है, कि प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, कहां से वो सेल कट होके दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, क्या वो सेल क्या वो लॉन्गिट्यूडनली कट हो रहा है या ट्रांसवर्स एक्सिस से कट हो रहा है, इस बेस पे हमने इसकी टाइप्स। सबसे पहली जो इसकी टाइप आपके बुक वाले ने मेंशन की है वो है सिंपल डिवीजन। इसमें ये होगा कि डिवीजन बाय एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, ऐसे नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा या फिर इसमें फिक्स नहीं है कि ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगी, नहीं ऐसा, बल्कि कोई भी प्लेन है वो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकता है और ऐसा अमेबा में होता है। तो याद रखना है सिंपल डिवीजन किस में होती है, अमेबा के अंदर सिंपल डिवीजन होती है। यहां पे एक सेल है अमेबा, हमने यहां पर शो किया हुआ है, ये एक पेरेंट अमेबा है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि इस अमेबा का साइज बड़ा हुआ है, यहां पे क्या हुआ है इसका साइज इनलार्ज हो गया है। और दूसरी चेंज क्या आई है, पहले एक न्यूक्लियस था, अब कितने न्यूक्लियस हैं, दो, तो हम यहां पे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहां पे देखो तो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहां से अभी भी ये इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं, लेकिन डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखो तो एक अमेबा जो ये पेरेंट अमेबा था ये डिवाइड हो चुका है दो डॉटर अमेबा में। यहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन कोई फिक्स नहीं है कि वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, एनी प्लेन से डिवीजन यहां पे हो सकती है। तो ये हमारे पास थी सिंपल बाइनरी फिशन, या हम इसको सिंपल डिवीजन प्लेन भी कह रहे हैं। दूसरी बात लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अलोंग द लेंथ। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं इस फॉर्म में कट करता हूं, यहां से इस फॉर्म में, तो ये अलोंग द लेंथ कटिंग होगी, अलोंग द लेंथ डिवीजन होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और इसमें क्या होगा कि डिवीजन प्लेन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब यहां पे ये जो डिवीजन है ये यूगनीना और प्लैनेरिया इनके अंदर डिवीजन की यही टाइप पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। यहां पे आपको एक यूगनीना दिखाया गया है, ये एक यूगनीना है और ये पेरेंट यूगनीना है। सबसे पहले यही हुआ, साइज में इजाफा हुआ और इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पे डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन अभी भी एक ही है, लेकिन डुप्लीकेशन जेनेटिक मटेरियल की स्टार्ट हो गई है। यहां पे आप देखो तो जेनेटिक मटेरियल इसका डुप्लीकेट हो गया है, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो ये अलग अलग हो गए हैं, ये डॉटर और एक ये डॉटर। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास आपने देख लिया कि यूगनीना के अंदर जो डिवीजन है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, क्या हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन।
तीसरी है ट्रांसवर्स डिवीजन के ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये पैरालिसियम के अंदर होती है और इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पैरामीशियम है, अब पैरामीशियम की जब डिवीजन होगी तो वो इस प्लेन में नहीं होगी, बल्कि कैसे इसकी डिवीजन होगी, इस प्लेन में डिवीजन होगी। तो इस तरह की जो डिवीजन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। और एक और जो मोस्टली डायटोम्स के अंदर पाई जाती है वो ओब्लीक, इसकी फोर्थ टाइप है ओब्लीक डिवीजन। आपकी बुक वाले ने यहाँ पे नहीं मेंशन किया होगा, ओब्लीक डिवीजन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है इसमें ये इस फॉर्म में ओब्लीक फॉर्म में, तो ये भी डिवीजन की एक टाइप है। तो आज के लेक्चर को हम समराइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले हमने डिफाइन किया है फिशन को, और ये जो फिशन है ये प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस तरह नाइडेरिया है या एनिडा है, इनवर्टिब्रेट्स, इनके अंदर भी फिशन पाई जाती है। तो फिशन में क्या होता है, डिवीजन की टाइप है एक सेल या ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाता है। फिर इसकी दो टाइप, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में एक सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो में, मल्टीपल फिशन में एक सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो से ज्यादा हिस्सों। बाइनरी फिशन के बारे में हमने पढ़ा, बाइनरी फिशन में सबसे पहले इसकी टाइप सिंपल बाइनरी फिशन, अमीबा के अंदर होती है, कोई प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है, किसी भी प्लेन से अगर हम कट किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास था लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में अगर हम उसको अलॉन्ग द लेंथ कट करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी। और थर्ड स्टेप में हमने देखा ट्रांसवर्स डिवीजन, कि अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किसके अंदर पाई जाती है, पैरामीशियम के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिना और प्लेन एरिया के अंदर, और जो ट्रांसवर्स है वो पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। और इसकी लास्ट टाइप हमने देखो ओब्लीक टाइप डिवीजन होती है, ये डायटोम्स के अंदर होती है और इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन ना तो लॉन्गिट्यूडनल होता है ना ट्रांसवर्स होता है, बल्कि एक ओब्लीक होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी जो टाइप्स हैं, जिसमें पार्थेनोजेनेसिस है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।